अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू फैज़ान यूसुफ़ पिया। मैं हाज़िर हूँ एक और नया वीडियो लेकर। दोस्तों, ये कोवलम शरीफ चेन्नई सेंट्रल से 38 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ साहब रसूल हज़रत सैदना तमीम अंसारी रज़ील्ला तला आराम फरमा है। ये वो सहाबी हैं जो बदर के 313 में आप भी शामिल थे, और आप आलम जिन्नात में 7 से या 11 साल तक आपने जिन्नात को तालीम दी थी। और आप अहद किया था अपनी ज़िंदगी में कि मेरी वफ़ात के बाद मुझे ताबूत में रख कर समंदर में छोड़ दिया जाए, और ये जहाँ ताबूत रुकेगा वहाँ पर मुझे वहीं मेरी मदफून की जगह होगी। तो उसमें एक तहरीर दस्तावेज़ नामा भी लिख कर रख दिया था। तो कुछ सालों के बाद वो ताबूत तैरता हुआ चाइना की सरजमीन पर नमूदार हुआ, और वहाँ के उस वक्त के एक नवाब थे, उन्होंने वहाँ से ताबूत से लाकर यहाँ पर मदफून किया था। तो दोस्तों, ये वो सहाबी है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि मेरे अस्हाब सितारों के मानिंद हैं। तो हम किसी भी सहाबी की पैरवी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा और आपका सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्हाब रसूलल्लाह तमीम अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो दोस्तों, आपको जब भी कोवलम शरीफ आने का मौका मिले तो इस ज़ियारत से आप महरूम ना रहें, आप यहाँ पर ज़रूर आएँ और हाज़िरी दें। और दुआ है कि इसी तरह हमें अल्लाह के घर की और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो, और आले बैत रसूलुल्लाह की ज़ियारत नसीब हो, उसी तरह और भी सहाबा कराम बेअकराम की हमें ज़ियारत नसीब हो। दोस्तों, यहाँ पर क्या खूबसूरत तहरीर है, आप भी पढ़ सकते हैं। कुछ अशार में बेहतरीन अंदाज में लिखा गया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।